إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر تمام قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا ساری دنیا کا ساری عالم کا رب العالمین ہے پروردگار ہے مالک الملک ہے رب العالمین کی تعریف اس کی بڑائی اس کی بزرگی جتنے بھی کریں بہت ہی کم ہے مختصر حمد و ثنا کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اسلام کو کامل اور مکمل بنایا اس اسلام کو پیش کرنے میں آگے بڑھنے میں آگے بڑھانے میں آپ کو ہر قسم کی قربانی کرنی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی دقتیں اٹھانی پڑی اور آپ نے ان تمام تکالیف کو مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس اسلام کو کامل اور مکمل بنایا اس میں ترمیم کی تغیر کی اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی آپ پر اس ریگستان کے سنگ ریزوں کے برابر درخت کے پتوں کے برابر بارش کے بوندوں کے برابر درود و سلام ہو جی و مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محترم بزرگوں اسلامی نوجوانوں شمع اسلام کے پروانوں دین اللہ کے سپاہیوں خواتین اسلام پیاری ماں اور بہنوں پیارے بچوں اور عزیز طالبات
और छोटी बच्चियां। खुतबे मसनूना में सूरह फज्र की आयत मैंने तिलावत की है, चूंकि अब जो महीना आने वाला है वो महीना हज का महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना है। इस महीने के मुनासिबत से मैंने मौजू को इख्तियार किया है और मेरा उन्वान है, मेरा मौजू है ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिनों की फजीलत। इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें वाकियात की रोशनी में लबकुशाई की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन अय्याम की फजीलत सुनने के बाद इन अय्याम में अल्लाह का जिक्र और कुर्बानी, तस्बीह व तहलील और तकबीरात और नमाज और दीगर इबादतों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल फज्र व लयालिल अशर, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बहुत सारे चीजों की कसम खाया है, कहीं चांद की कसम खाया है, कहीं सूरज की कसम खाया है, कहीं दिन की कसम खाया है, कहीं रात की कसम खाया है। जिसकी भी अल्लाह ताला कसम खाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसकी फजीलत बढ़ जाती है। और अल्लाह जिसकी चाहे उसकी वो कसम खाता है, वो परवरदिगार है, वो मालिकुल मुल्क है, जिसकी चाहे उसकी वो कसम खा ले, लेकिन इंसान की बस की बात नहीं है। कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन जिसकी चाहे उसकी कसम नहीं खा सकता सिवाय रब्बुल आलमीन के, सिवाय रब्बुल आलमीन के किसी और की कसम खाना जायज नहीं है। तो अल्लाह ताला फजर की कसम खा रहा है और 10 रातों की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला किसी चीज की जब कसम खाता है तो उसकी अहमियत और उसकी फजीलत और उसकी असमत बनाना बताना मकसूद होता है। और चूंकि ये जो महीना आने वाला है ये साल का आखिरी महीना है, ये साल का आखिरी महीना है, और जमहूर उलमा, जमहूर मुफस्सिरीन और अल्लामा इब्ने कसीर, दीगर 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के ये इब्तदाई 10 रातें बताए हैं। जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में 10 रातों से मुराद
जुल्हिज्जा की इब्तदाई 10 अय्याम हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाया है। और ये 10 रातें, ये 10 अय्याम दुनिया के तमाम रातों से, दुनिया के तमाम दिनों से अफजल है। हाँ, अलबत्ता जो रमजान के आखिरी 10 रातें हैं उसकी अहमियत, उसकी फजीलत अलग है। और इन अय्याम की फजीलत के ताल्लुक से वन जाबिर रضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر। जाबिर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के तमाम दिनों से ये 10 रातों की बड़ी फजीलत है और ये 10 अय्याम की बड़ी फजीलत है। हाफिज इब्ने हजर अल असकलानी वो लिखते हैं, वो बयान करते हैं इन 10 दिनों की फजीलत बयान करते हुए, लिखते हैं कि इसमें रोजा, नमाज, सदका और हज, ये तमाम इबादतें इन अय्याम में शामिल हो जाती हैं। चूंकि अहम बुनियादी इबादतें जमा हो जाती है, इसलिए और दिनों से बढ़कर इन दिनों की फजीलत साबित होती है। और दूसरी बात, इन दिनों में सबसे बेहतरीन अरकान हज सुन्नत के मुताबिक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, हलाल रोजी से, हलाल कमाई से काबतुल्लाह की जियारत करता है, काबतुल्लाह के लिए वो हज करता है, अल्लाह ताला ये हज मबरूर को सिवाय जन्नत के कोई और बदला नहीं है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। और उसके अलावा हदीस शरीफ में आता है ये 10 अय्याम के ताल्लुक से, अन जाबिर बिन अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु खाल खाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमल सालेह फीमा अहब्बु फीहा अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्याम यानी अय्यामिल अश्र। खालू या रसूल अल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, खाला वला वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही वमालिही थुम्म लम यरजि मिन ज़ालिका बिशय्यिन रवाहुल बुखारी व अहमद। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इन दिनों में नेक अमल करता है, इन दिनों में अच्छे अमल करता है, अमले सालेह करता है, और ये अमल, इन अय्याम के अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ये 10 दिन जो हम जिक्र वस्कार, नमाज, रोजा और दीगर जो इबादतें करते हैं, इन इबादतों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और ये अय्याम भी अल्लाह को बहुत पसंद है, ये अय्याम भी अल्लाह को बहुत पसंद है। ये 10 अय्याम सहाबा के अंदर अमल करने का बड़ा जज्बा था, बड़ा शौक था, सवाल करने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के राह में जिहाद करना इससे भी बड़ी फजीलत है, इससे भी बढ़कर इन अय्याम की फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ,
जिहाद से भी बढ़कर इन अय्याम की बड़ी फजीलत है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो शख्स जो जिहाद के लिए निकला अपने माल के साथ, अपने सवारी के साथ, फिर लौट कर नहीं आया, अल्लाह के राह में शहीद हो गया, तो इसकी बड़ी फजीलत है। इससे बढ़कर अगर वो लौट कर आया भी तो तब भी उतना दर्जा, उतनी फजीलत नहीं मिलती जितनी इस 10 अय्याम में फजीलत मिलती है, अहमियत मिलती है। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इन अहदीस से मालूम हुआ कि इन अय्याम की हम कदर करना चाहिए। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, जिंदगी में रमज़ान आता है, चला जाता है, जिंदगी में बहुत सारे नेक काम करने के ज़राए आते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझते। हालांकि अल्लाह ताला जब भी किसी महीने की, किसी दिन की, किसी अय्याम की जो फजीलत बयान करता है तो उसको बंदों को तरगीब दिलाना मकसद होता है, बंदों को आखिरत की तरफ पायल करना चाहता है, ताकि जो बंदा मेरे पास आए कसीर आमाल के साथ, कसीर आमाल के साथ मेरे दरबार में आए और अपने गुनाहों की अल्लाह के दरबार में माफी तलब करे, इसी गर्ज से अल्लाह ताला महीने की, अय्याम की फजीलत बयान करता है। इसी तरह मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, हदीस शरीफ में आता है कि इस 10 अय्याम के ताल्लुक से हम इन अय्याम को बहुत मामूल समझते हैं, बहुत ही मामूली समझते हैं, और लोगों की वही रफ्तारी होती है जो साल भर होती है। हालांकि एक मोमिन को, एक मुसलमान को जब कुरान की आयतें सुनते हैं और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनते हैं, उस पर हमें अमल करना ज़रूरी है, हमें अमल करना ज़रूरी है। सुनने के बाद अगर हमने अमल नहीं किया, यही कान क़यामत के दिन गवाही देंगे, यही आँख क़यामत के दिन गवाही देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इन अय्याम की कदर करो। अभी 6 दिन के बाद 24, यानी आज 24 तारीख है, 6 दिन के बाद माह ज़िलहिज्जा, इसके अय्याम शुरू हो जाते हैं। इन अय्याम में हमको चाहिए कि कसरत से नेकियां करने की कोशिश करें, कसरत से जिक्र व अज़कार करने की कोशिश करें। और हदीस शरीफ में आता है इन अय्याम के फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। देखिए, एक मरतबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम, एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम आया और आकर कहने लगा कि ऐ उमर, तुम्हारे मुसलमानों में जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया है, उस कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है, एक ऐसी आयत है, अगर ये आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती या हमारी किताबों में नाजिल होती तो हम ईद की तरह मनाते, उसको उस दिन को हम ईद की तरह मनाते। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने कहा कि वो कौन सी आयत है? तो उस यहूदी ने कहा, अल्लाह ताला ने इन्हीं अय्याम में, इन्हीं अय्याम में इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है, इस्लाम को कामिल कर दिया है, इस्लाम को तमाम कर दिया है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये आयत सुनी उस यहूदी से और कहा कि हजरत उमर ने, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आयत यौम अरफा के दिन नाजिल हुई, यौम अरफा के दिन नाजिल हुई और 9वीं ज़िलहिज्जा की तारीख थी
और उस दिन ये जुमा का दिन था, जुमा का दिन था, यौम अरफा का दिन था, उसी दिन ये आयत नाजिल हुई। तो मालूम हुआ कि ये इस्लाम भी इन्हीं दिनों में मुकम्मल हुआ है, इन्हीं दिनों में मुकम्मल हुआ है। और इसी तरह मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इन अय्याम में अगर कोई शुरू से 9 तारीख तक रोज़ा रखना चाहे रख सकता है, शुरू से लेकर 9 तारीख तक। ईद के दिन तो रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो गैर हाजी होते हैं, गैर हाजी होते हैं, जो कहीं भी मुसलमान रहते हैं, तो इन 9 दिनों में वो रोज़ा रखें। रोज़ा रखने से उनकी बड़ी फजीलत साबित होती है। और दूसरी बात, खासकर इन अय्याम में, इन अय्याम में कसरत से जिक्र व अज़कार करना। और ईदेन में जो हम तकबीरात पढ़ते हैं, ईदेन में जो तकबीरात पढ़ते हैं, ज़िलहिज्जा की पहली तारीख ही से लेकर 13 तारीख तक हम तकबीरात पढ़ लेना चाहिए, तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। ये सुन्नतें हमसे छूट जा रही हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, सऊदी अरब में लोग आज भी इस सुन्नत को जिंदा किए हैं, इस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है, काना इब्ने उमर व अबू हुरैरा यखरुजानी रसूख फी अय्याम अलअशर युकब्बिरानी व युकब्बिरुन्नास बितकबीरहा रवाहुल बुखारी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा जब बाजार जाते इन दिनों में, इन दिनों में बाजार जाते, इन 10 अय्याम के अंदर, इन 10 अय्याम में हमेशा वो बाजारों में तकबीरात कहा करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरह के नारे जोर जोर से बुलंद करते, जोर जोर से पढ़ते, और उनकी आवाज सुनकर भी लोग भी पढ़ना शुरू कर देते, लोग भी पढ़ना शुरू करते। तो मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इन अय्याम में कसरत से हमको अल्लाह का जिक्र वस्कार करते हुए इन तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए, इन तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए, सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, बल्कि हम अल्लाह की तकबीर को बुलंद करना है, अल्लाह की तारीफ करना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। लिहाजा इन 10 दिनों में कसरत से नेकियां करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, इस हदीस के इस अय्याम के ताल्लुक से और खासकर यौम अरफा के ताल्लुक से, यौम अरफा के ताल्लुक से हदीस शरीफ में आता है, वह नबी खतादा रजी अल्लाह अन्हु قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه رواه مسلم। हजरत अबू खतादा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के ताल्लुक से पूछा गया, यौम अरफा के रोज़े के ताल्लुक से पूछा गया, सवाल किया गया कि इसकी फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफिरु युकफिर सनत अल्मादिया, अल्लाह ताला पिछले और अगले, जो पिछले हम जो गुनाह किए हैं और अगले जो करने वाले हैं, उन गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है, उन गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। ये एक रोज़ा रखने की फजीलत है, एक रोज़ा रखने की फजीलत है। और बाज़ हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा यानी 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यौम अरफा या 9वीं तारीख को रोज़ा रखने से अल्लाह ताला हमारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। और मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं, हमारे असलाफ 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते थे, 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम की बड़ी फजीलत है, और इन अय्याम में हमारे असलाफ इसकी कदर करते हुए अमल किया करते थे,
और इसी तरह माह ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन और मुहर्रम के 10 दिन, मुहर्रम के 10 दिन इन अय्याम की बड़ी कदर करते और जिक्र वस्कार नमाज रोज़ा और दीगर इबादात में हमारे असलाम मसरूफ़ हो जाया करते थे। और दूसरी बात मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इन्हीं अय्याम में चूँकि यौम अरफा ये रोज़ा रखना ये अगले और पिछले साल के गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं, और उसके अलावा जो 10वीं तारीख होती है, 10वीं तारीख होती है इसमें सबसे बड़ी चीज़ कुर्बानी की जाती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल जब मदीने में रहे आपने हर साल आपने कुर्बानी की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, سورہ حج آیت نمبر 34। یعنی ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے, ہم نے قربانی کا سلسلہ جاری رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر جانوروں کو اللہ کے راہ میں ذبح کریں, जानवरों को अल्लाह के राह में ज़बा करें। इसी को अल्लाह ताला ने ये 10 अय्याम में ये 10वीं तारीख को बहुत ही अहमियत के साथ बड़ी फजीलत के साथ इसको बयान किया गया। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये कुर्बानी क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाकायदा कुर्बानी की है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है अन सईद बिन अरखम रज़ी अल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاذيه قال سنتي ابيكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعره حسنه رواه احمد। यानी ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने कहा कि ये कुर्बानी करने की वजह से, यह जानवर ज़बह करने की वजह से हमको क्या सवाब मिलता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले अल्लाह ताला सवाब देता है, सवाब अता करता है। और उसके बाद हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 साल मदीने में रहे तो बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है। तो मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इन तमाम बातों से हमको ये बात मालूम होती है कि ये कुर्बानी का जानवर ख़रीदना चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दिया है और ख़रीदने की उनको हिम्मत दी है तो चाहिए कि वो कुर्बानी करे अल्लाह के राह में। चूँकि देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे जलील क़द्र पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने इत्तखज़ इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोस्त बना लिया। हालांकि बहुत सारे अनबिया थे उनको चाहे तो अल्लाह बना सकता था, लेकिन खास कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोस्त क्यों बनाया? इसलिए कि वजीब तला इब्राहीम रब्बू बिकलिमातिन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चंद कलिमात के जरिए से, चंद चीज़ों के जरिए से आजमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें पूरे के पूरे उतरे। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घराने में पैदा हुए जिनके बाप बुत बनाते, बुत फरोख करते और बुतों की पूजा किया करते थे। ऐसे घराने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुहीद बनकर, एक तौहीद परस्त बनकर अपने बाप के सामने कहा कि अब्बा जान ये आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से
बुत बनाकर इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसे फुराक कर रहे हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं, ये माबूद कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत अपने घर से शुरू की, बाप को ये नहीं देखा कि ये मेरा बाप है, इसका एहतराम किया जाए, बाप जो भी कहे उसको मान लिया जाए, नहीं। अल्लाह के बारे में जब बाप भी गलत बात बताता है तो मानने का हुक्म नहीं है, बल्कि वहां पर अल्लाह की इताअत करना जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना जरूरी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तक के बहुत बड़ा वाकिया है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वतन को छोड़ना पड़ा। किस लिए वतन को छोड़ा? रिश्तेदारी के खातिर नहीं, किसी से झगड़ा करके नहीं, बल्कि अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने तौहीद को कायम रखने के लिए, इस्तेकामत को बरकरार रखने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना वतन छोड़ दिए और अब्बास से कहा कि अब्बा जान आप मेरी बात मानने वाले नहीं। हर तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की, बाप नहीं माने, रिश्तेदार नहीं माने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल पड़े अपनी बीवी मोहतरमा को लेकर। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 80 साल तक औलाद से नहीं नवाजा, 80 साल तक औलाद नहीं हुई। आज हमारे ज़माने में अगर किसी को शादी होने के बाद औलाद नहीं हुई तो लोग ताने देते हैं कि ये फलां को औलाद नहीं हुई। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, औलाद देना ना देना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, उन्होंने कैसे सब्र किया और रात दिन अल्लाह से दुआएं करते रहे, दुआएं करना नहीं छोड़ा, बल्कि रब्बी हबली मिन सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने 80 साल के बाद इस्माइल को पैदा किया। इस्माइल को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक आजमाइश में मुब्तला किया, अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर एक ऐसी जगह पर छोड़ाए जहां ना इंसान बसता हो, ना परिंदा बसता हो, ना कोई साया है दरख्त के, ना कोई दरख्त है साये के लिए। ऐसी जगह पर छोड़ने का हुक्म हुआ, ऐसी रेतली जमीन में, ऐसे सनसान मैदान में छोड़ने का हुक्म हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको भी कबूल कर लिया। ये बीवी की मोहब्बत में आकर अल्लाह को नहीं ठुकराया, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में अपनी बीवी को ठुकरा दिया और अपने बच्चे को भी ठुकरा दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जाओ ले जाकर बी और बच्चे को छोड़ाओ, छोड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसी आजमाइश आई, ऐसी आजमाइशें पैगंबरों पर आई। अगर हमें थोड़ी सी आजमाइश आ गई तो लोग अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं, अल्लाह मुझे ही ये परेशानी लाना था क्या, अल्लाह ये मुझे ही बीमारी लाना था क्या, अल्लाह हमारे घर ही में इसको लेना था क्या, इस तरह कहते हैं। ऐसे जुमले हरगिज़ अदा ना करें, हरगिज़ अदा ना करें, बल्कि अंबिया की सुन्नत को देखें, अंबिया के वाकियात को पढ़ें, अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, छोड़ दिए, छोड़े। और चंद दिनों के बाद या चंद सालों के बाद जब बच्चा फिरने खाने और बोलने के काबिल हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम जाओ तुम अपने बेटे को ज़बह करो, ऐ इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह के राह में ज़बह करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब में देख रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। अनबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। बेटे से पूछा कि अरे बेटे मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। फरमा बरदार बेटा, जैसा बाप तरबियत देता है, जैसे बाप बच्चों को सलीका सिखाता है, जैसे अदब सिखाता है, वैसा ही इस्माइल पैदा होता है। तो इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान जैसे आपने, जैसे अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ तो आप मुझे करिए, हम दोनों को सब्र करने वालों में से पाएंगे। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को ले जाकर एक मैदान में
उनको ज़बह करना चाहा, अल्लाह ने इस इम्तिहान को देखकर, इस आजमाइश को देखकर अल्लाह ने इतना खुश हो गया, अल्लाह इतना खुश हो गया, इब्राहिम को खलील बना दिया, दोस्त बना दिया, और उसके बाद इस जन्नत से एक मेंढे को भेजा और ज़बह करने का हुक्म दिया, और उसके बाद कहा कि यह सुन्नत क़यामत तक जारी रहेगी, क़यामत तक जारी रहेगी। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, आज हम देखते हैं कि कुर्बानी का जानवर कैसे होना चाहिए। सवालात तो बहुत करते हैं कि कुर्बानी का जानवर कैसे होना चाहिए, लेकिन कुर्बानी देने वाला उसके आयत के बारे में तलाश नहीं करते। कुर्बानी देने वाला कैसा आए, क्या उसकी कमाई हलाल तरीके से है, क्या उसकी कमाई रिश्वत के जरिए से है, क्या उसकी कमाई क्या है गलत तरीके से है, ये नहीं देखा जाता है। कुर्बानी करने वाला इखलास हो, उसके अंदर अल्लाह का तखवा हो, अल्लाह का डर हो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर जो तौहीद आया था, जैसे तौहीद उनके अंदर आए, वैसा ही हमारे अंदर तौहीद होना चाहिए, इस्तेकामत होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, और मुखलिस बनकर जब हम अल्लाह के राह में जानवर को ज़बह करेंगे तो अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करता है। हम जानवर लाते हैं, ज़बह करते हैं और एक दूसरे को फख्र करते हैं, मेरा जानवर जैसा, मेरा बकरा जैसा फलां का बकरा नहीं है, मेरे सामने उसकी क्या हैसियत है। और यहाँ तक के बाज लोग बकरों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, गलत है भाई लड़ाना, ये जानवर को आपस में लड़ाना गलत है। आप दो जने बैठे हैं, आप दोनों मिलकर बैठे हैं, आप दोनों से मैं कहूँ कि भाई तुम दोनों लड़ो कौन जीतेंगे, बोल के इस तरह की लड़ाई करना अच्छा है? इस तरह जानवरों को भी लड़ाना ये गलत तरीका है, उसका एहतराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और जो भी हम जानवर लाए अल्लाह की रजामंदी के लिए लाए, अल्लाह के राह में उसको ज़बह करने के लिए लाए, और ये ईमान रखे जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त आने पर अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, वक्त आने पर हम अल्लाह के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने बच्चों के भी अल्लाह के राह में हम कुर्बान कर देंगे, ये हमारा ईमान होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, वक्त की खिल्लत की वजह से बयान नहीं कर सका। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जो आने वाले अय्याम हैं इन अय्याम की फजीलत को, अहमियत को समझते हुए तमाम मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र वस्कार करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को इन अय्याम में कसरत से अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी मुसलमान भाई अल्लाह के राह में कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह उनको तौहीद परस्त बनाए, अल्लाह ताला उनके ईमान को मजबूत बनाए, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जो भी मुसलमान भाई परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह जो इंतकाल कर चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह हम सबको नेक बना। आमीन या रब्बिल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।